मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद से कांग्रेस गदगद है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की 2 साल की सजा और दोष सिद्धि पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट से मिली ये राहत इसीलिए बेहद बड़ी है क्योंकि इसके जरिए ही राहुल गांधी के कई रास्ते खुल गए हैं। इसी फैसले से राहुल को संसद में उनकी सदस्यता और उनका सरकारी घर वापस मिल जाएगा। लेकिन कैसे, आइए बात करते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल होने को लेकर चर्चाएं होने लगी हैं कि अब राहुल संसद में सदस्यता और अपना सरकारी घर वापस पा लेंगे। इसी के साथ संभावना ये भी है कि राहुल गांधी अब 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे। वहीं राहुल की संसद में सदस्यता बहाल करने की मांग भी अब तेज हो गई है और इसके लिए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 5 अगस्त को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी भी लिखी। मतलब ये कि अगर अगले कुछ दिनों में राहुल की सदस्यता बहाल हो जाती है तो वो संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र में भाग ले सकते हैं। बात करें राहुल को उनका घर वापस मिलने की, तो राहुल की सांसदी वापस आने से दिल्ली में मिला उन्हें आधिकारिक 12 तुगलक लेन वाला घर भी दोबारा मिल सकता है। नियम के मुताबिक उन्हें टाइप 7 का घर जो है वो आवंटित हो सकता है। राहुल गांधी संसद में 3 बार कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, इसीलिए वो टाइप 7 बंगले के लिए पात्र हैं। बता दें कि 27 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना आधिकारिक आवास खाली करने को कहा था, जिसके बाद राहुल गांधी ने ये घर खाली कर दिया और अपनी माँ के घर 10 जनपद रहने के लिए चले गए। अभी भी वो अपनी माँ के साथ ही रह रहे हैं। बंगला खाली करते वक्त उन्होंने कहा था कि ये सच बोलने के लिए चुकाई गई कीमत है। अब अगर राहुल की सांसदी बहाल होती है तो उन्हें उनका घर भी वापस मिल सकता है। बात करें उनके इस घर की, तो उन्हें ये घर 2004 में अमेठी से चुनाव जीतने के बाद 10 महीने के बाद आवंटित हुआ था। ये पहली बार था जब राहुल ने राजनीति में कदम रखा था और वो सांसद बने थे। यानी राहुल इस सरकारी बंगले में लगभग 18 साल से रह रहे थे। रही बात राहुल के लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव लड़ने की, तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल को मिली राहत फौरी है। कोर्ट ने मामले को खारिज नहीं किया बल्कि सिर्फ सजा पर रोक लगाई है। अब मामले में नए सिरे से सुनवाई होगी और अगर ऊपरी कोर्ट भी राहुल को इस मामले में 2 साल की सजा सुनाता है तो राहुल चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएंगे। वहीं कोर्ट से बरी होने या 2 साल से कम सजा मिलने पर राहुल चुनाव लड़ सकेंगे। हालांकि ये फैसला कब तक आएगा ये देखना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट का फैसला 2024 के चुनाव के बाद आए, ऐसे में राहुल 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि राहुल गांधी को 4 अगस्त को बड़ी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सर ने मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी। दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। न्यूज़ तक ब्यूरो।